밥을 예 महाराज जी बात करवा दियो बाबा जी से। हाँ कदे फिर दोस्त का भागी हो जाएगा। अब राजा रघु उस ब्राह्मण से कहते हैं भाई दो मिनट रुक जाओ, दो मिनट के लिए लीजिए। सावरमल जी बस केवल पांच मिनट रोक लो उन सेवका ने भी। राजा रघु कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे को फल इस जंगल में नहीं मिला, मेरे को तो फल किसी जगह से आया था मेरे पास तो, और यदि तुम्हारी इच्छा हो तो फल वाली जगह ले चल सकता हूं मैं तुम्हें। तो नहीं बोला उठे ले चल। अब राजा रघु अपने तक अपने सत्य दान त्याग और तप के बल से ये चारों बल हो गए ना, इन चारों के साधन से अणिमा सिद्धि के द्वारा यानी अणु के समान शरीर कर लेना। स्वयं राजा अपना भी अणु के समान शरीर कर लिया और उस ब्राह्मण का भी अणु के समान शरीर करके सत्यलोक में चले जाते हैं। वहां देवता राजा रघु का सत्कार करने के लिए इंतजार में खड़े थे। ब्रह्मा जी कहते आओ राजा रघु आओ। कहो कैसे आए? राजा रघु कहते हे पितामह, मैं आना तो नहीं चाहता था पर मेरे को ये भूदेव ले आए। ये ब्राह्मण आपके यहां से जो फल गया था वैसा ही फल और चाहिए, नहीं तो ये ब्राह्मण मुझे श्राप दे देंगे। मैं तो साप के ताप से जलना नहीं चाहता, इसलिए हे पितामह आप कृपा कीजिए। नुमला लो ये चाबी लो और मेरे इस सत्यलोक में ईशान कोण में एक बगीचा है, वो पूरा बगीचा ही अमर फलों का है। अब राजा रघु के चाबी आपकी रहा, बगीचा ही आपका है, ये चाबी लो और चाहे जितने फल ले लो। अब राजा रघु ब्राह्मण को लेकर के गए और बगीचे में बगीचा खोलते ही बगीचे में बड़े और ब्राह्मण के वो अमर फल के वृक्ष थे उनकी हवा लगी और ब्राह्मण के शरीर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। केवल हवा का स्पर्श होने से ही वो ब्राह्मण ने बोला राजा भाई तेरा राजपाट तू कर ले, मैं तू रहूंगा। क्यों मुश्किल से ठिकाना मिला से मिलाप से, तू कर तेरा राज मैं ना जाऊं किसी के बाप से, मैं तो उड़े रहूंगा भाई। पिता मैं ब्रह्मा राजा रघु अनु ने विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सी वंदना करते हैं, ब्राह्मण से यात्राएं करते हैं, ब्राह्मण नहीं मानता है। दोनों का संवाद होते होते बहुत सा समय बीत जाता है। पितामह ब्रह्मा स्वयं आते हैं कि राजा रघु आए नहीं, क्या हुआ? आकर के देखते हैं तो राजा का चेहरा लटक रहा, हवाई उड़ी हुई कि अब क्या करूं, क्यों ब्राह्मण ने तो फाड़ा कर दिया, अब रात नहीं जाऊं काटेगा तो श्राप दूंगा। पितामह ब्रह्मा कहते हैं राजन क्या आपको आपका बगीचा पसंद नहीं आया? निबला पितामह बगीचा पसंद आना न आना ये बात तो और है, तो फिर उदास कैसे हो? निबला दादा गए छोटे तो क्या बात? निबला न्यू कर रहे तेरा राजपाट तू कर ले, मैं तो हुए रहूंगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, धक्का दिया जाओ कलयुग में यूं ही फिरते रहोगे। अब ब्रह्मा जी ने धक्का दिया, सत्यलोक से ब्राह्मण गिरने लगा और राजा रघु अपनी सिद्धि के द्वारा ब्राह्मण के साथ साथ ही भूतल को आ रहे थे। और जब पृथ्वी को स्पर्श करने के लिए जब वो ब्राह्मण पृथ्वी के स्पर्श से थोड़ा सा ऊपर रहा, जब निमला और राजा डट जा मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं,
तुम्हारी जय हो। मैं साक्षात धर्म हूं और तुम्हारी भिक्षा देने के लिए आया था। मेरे चार चरण हैं, तुमने मेरे को चारों चरणों से जीत लिया। तेरी जीत और मेरी हार, और जा सदा सदा के लिए तेरी कीर्ति अटल रहेगी। इसलिए वो अंगहीन ब्राह्मण कोई नाम वाला नहीं था, वो तो स्वयं धर्म थे। धर्म ने परीक्षा ली थी, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए यह है कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न बोलिए तिलादी महाराज। ये है इस कथानक का सारा। जय हो, जय हो। सुना दे तो हमारा आना सार्थक हो जाएगा। हमारा हाथ जोड़ करके करवत निवेदन है इनसे, और हरियाणवी संस्कृति के इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हरियाणवी संस्कृति में इनके जैसा दिग्गज हमें कोई नजर नहीं आता। तो श्रीमान जी दमन सिंह जी से मेरा निवेदन है कि एक बात इनके मन पसंद कोई भी हमें सुना दे, हमारा आना सफल हो जाएगा। हमें ये महसूस नहीं होगा कि हम चार घंटे से बैठे ही थे। एक बात सुना दे दमन जी। भील कमाया मनस्कामना आया अपने हाथों वाल बड़ा बांटना बुरा से घर पाए दुश्मन का सरकार बात है। और क्योंकि किसे से हटके जब गाया जाता है तो बहुत ही वो थोड़ा सा अलग सा दिखाई देता है, मैं भी महसूस करता हूँ आपको। लेकिन एक बात मैं आपके सामने पृथ्वीराज चौहान के किस्से से कहना चाहता हूँ। जब शहाबुद्दीन को 17 बार चूड़ी पहना पहना के और उसको छोड़ दिया गया, तो फिर वो जो है चढ़ाई करता है, तो पृथ्वीराज चौहान का जो मंत्री था, सेनापति था, वो कहता है कि महाराज अभी आपकी कैद में है और इसको मार देना ही अच्छा रहेगा। लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान अपनी बात का जो क्या कहते हैं धनी था, अब अपने मंत्री को चार बातों के द्वारा क्या समझाता है, ये कवि की कल्पना है। आइए सुनते हैं। क्या बात, जय हो, जय हो। हेलो हेलो a
घर हारना हो तो भाइयों बराबर प्यार ना जो तकरार ना हो तो बदकार हीरे दुनिया धर्म दे अलग मन तेरी ये जो मैं आपके सामने सुनाने की कोशिश कर रहा हूं क्यों हरियाणी जिसको बोलते हैं और हरियाणी क्लासिक अगर रागनी कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। हेरे दुनिया धर्म ते अलग मंत्री हेरे न्याय धर्म ते अलग मंत्री हेरे पाठ ना बुरा से और घर पे आई मानस का हाँ माल पराया
अब नंबर दो में क्या कह रहे हैं जवान साहब? Thank you.